अयोध्या में पांच सदी के इंतजार को समाप्त करने के उपरांत प्रभु श्री रामलला के भव्य मंदिर को बनाने और रामलला को विराजमान करवाने के उपरांत पहली बार संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में भगवान श्री नारायण के ही भव्य मंदिर के भव्योद्घाटन कार्यक्रम के उपरांत आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन इस संभल जनपद में हुआ है। बहनों और भाइयों, हम सबको इस बारे में देखना होगा, पिछले 10 वर्षों में हमने एक भारत का दर्शन किया है, एक नया भारत है, जिस नए भारत में हर नागरिक को सुरक्षा भी है और राष्ट्र को समृद्धि के नए सोपान तक पहुंचाने का संकल्प भी है, जिस नए भारत में युवाओं की आजीविका की व्यवस्था भी है, तो भारत की आस्था का सम्मान भी है। आस्था का सम्मान किस रूप में, काशी में काशी विश्वनाथ धाम, अयोध्या धाम में रामलला का पुनः विराजमान होना, केदारपुरी और बद्रीनाथ धाम का पुनरुद्धार का कार्य संपन्न होना, महाकाल में महालोक की स्थापना होना, ये वह नए भारत की तस्वीर है, जिस नए भारत में हर युवा की आजीविका की गारंटी भी है और आपकी आस्था की भी गारंटी है, यही मोदी की गारंटी है। भाइयों बहनों, ये आस्था का सम्मान, जिन लोगों ने आस्था के साथ लगातार खिलवाड़ किया वे न आजीविका ही दे पाए और न भारत की आस्था को ही सम्मान दे पाए। आज तो भारत की विरासत भी सम्मानित होती है वैश्विक मंच पर, जब योग को वैश्विक मान्यता मिलती है और 21 जून की तिथि को दुनिया के लगभग 200 देश एक साथ, जब भारत के अंदर किसी एक स्थान पर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में करोड़ों भारतीय योग की इस विधा के साथ जुड़ते हैं, तो दुनिया के 200 से अधिक देश भी भारत की ऋषि परंपरा के इस प्रसाद के साथ जुड़ते हैं।